हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंच ऑफ फ्लेवर्स। आज मैं लेके आई हूँ विंटर स्पेशल एक पराठा, वो है गोभी पराठा। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। बहुत सारी रिटन रेसिपीज हैं मेरे वेबसाइट पे, नीचे देखिए लिंक ब्लिंक हो रहा है pinchofflavors.com, विजिट ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी पराठा है। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा पिंच ऑफ फ्लेवर्स को। बहुत ही, चलिए जल्दी से बना लेते हैं गोभी स्टफ्ड ये पराठा। बहुत ही बढ़िया लगता है मक्खन के साथ में, तो चलिए आज कुछ अच्छा बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए मैदा। मैंने यहाँ पे होल व्हीट फ्लोर लिया है। मैदा चाहिए तो मैदा यूज़ कर सकते हैं, 2 कप लिया है मैंने। सॉल्ट टू टेस्ट इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम मोयन के लिए हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। मोयन अच्छे से कर लेना है इस पराठे में, मोयन अच्छा होगा तो हमारा पराठा भी बहुत ही डिलीशियस बनेगा। तो अब इस तरीके से हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा थोड़ा करके सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। कपड़े से ढक दीजिए आप मसलिन क्लॉथ से 20 मिनट तक के लिए, इसे साइड में रख देंगे। अब मैंने बहुत ही अच्छे से कॉलीफ्लावर को यानी गोभी को धो के ग्रेट कर लिया, फाइनली ग्रेट किया, 2 कप्स लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लेंगे 3 टीस्पून चॉप्ड की हुई ग्रीन चिली, हरी मिर्ची स्वाद अनुसार अपने हिसाब से डालिए स्पाइस लेवल। अच्छा, जिंजर चाहिए, अदरक 2 टीस्पून फाइनली ग्रेट की हुई, मिंट लीव्स चाहिए फाइनली चॉप की हुई 1 टेबल स्पून डाल दीजिए। ऐड कर लीजिए फाइनली चॉप्ड धनिया पत्ती 2 टेबल स्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून, आमचूर पाउडर, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून ईच। रेड चिली पाउडर आप अपने हिसाब से डालिए स्पाइस अगर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो। क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून और डालेंगे डाइजेशन के लिए कैरम सीड्स यानी अजवाइन 1 टीस्पून। बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लीजिए, बहुत ही टेस्टी बनेगा हमारा ये स्टफिंग। अब स्वाद अनुसार नमक, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, अब अच्छे से सारी चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए। अब डालेंगे बॉइल्ड की हुई मैश किया हुआ 2 मीडियम पोटैटोस, ये बाइंडिंग में हेल्प करता है। ठीक है, मिक्स कर लीजिए अच्छी तरीके से। रेडी है हमारा गोभी का स्टफिंग। अब चलिए डो को फिर से हम थोड़ा सा नीट करके, अब इसके हम 6 इक्वल पोर्शन में, देखिए छोटे छोटे बॉल्स मैंने ले लिए, छोटे छोटे नहीं एक्चुअली मैंने बड़े बॉल्स लिए थोड़े से। तो अब देखिए इस तरीके से हम डस्ट करेंगे थोड़ा सा फ्लोर, इसको 5 इंच डिस्क में थोड़ा सा फैला लेंगे। अब इसमें भरेंगे हम अपनी स्टफिंग, अच्छे से भरिए, अच्छे से स्टफिंग को भरिए और सारे कॉर्नर्स को एक साथ इस तरीके से देखिए, सारे कॉर्नर्स को टुगेदर लेके आके आप एकदम से लॉक कर दीजिए। बस रेडी है, अब इसको डस्ट कर लीजिए थोड़ा सा। अब रोल कर लीजिए 6 इंच एक डिस्क सर्कल के इसमें। अगर थोड़े से फट रहे हैं तो डरिएगा नहीं, बहुत ही बढ़िया दिखते हैं, बहुत ही बढ़िया होंगे। देखिए सारे के सारे मैंने 6 पराठे रेडी कर लिए। अब एक मीडियम पैन हीट कर लिया है, उसमें हमने ये पराठे को ट्रांसफ़र कर दिया। अब थोड़ा सा जब ये गोल्डन ब्राउन स्पॉट आएंगे दोनों साइड से, मतलब कि अब ये रेडी है। अब इसमें घी हम लगा सकते हैं, तो बढ़िया से घी डालिए। मैंने 1 टेबल स्पून डाला है एक साइड में, दूसरे साइड में भी 1 टेबल स्पून। बहुत ही बढ़िया कलर आया है फ्रेंड्स। अब अच्छे से लैडल से इसको प्रेस कीजिए ताकि ये क्रिस्पी बने। बढ़िया, रेडी है गोभी का पराठा। इसे अचार के साथ, मक्खन के साथ खाइए, प्लेट में निकाल लीजिए। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा पिंच ऑफ फ्लेवर को। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको सब्सक्राइब